यस yes, सिमिलरली जो फ्रेंच में भी वर्ब्स हैं दैट आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर आस ओके सो फर्स्ट लेट मी टेल यू कि कितने टाइप के आपके वर्ब्स uh, होते हैं वट आर दे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड ठीक है सो so अगर वी क्लासीफाई वर्ब्स ठीक है दीज आर योर वर्ब्स सो ये जो होते हैं ये हमारे तीन टाइप के होते हैं ठीक है दीज आर बेसिकली थ्री टाइप्स फाइन सो दीज आर योर ई आर आई आर एंड आर ई ठीक है सो दीज आर नथिंग बट थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब्स फाइन सो या देर आर थ्री टाइप्स एंड सब में जो होते हैं थोड़े बहुत एक्सेप्शन्स तो ऑब्वियसली होते हैं सो वील सी वन और टू ऑफ दैम इन दिस वीडियो एंड एक्सेप्शन के लिए मैं वैसे ही एक डिफरेंट वीडियो बनाने वाली हूँ फाइन सो जिस डोंट वरी अबाउट इट सो या वर्ब्स आई होप यू गॉड कितने टाइप के होते हैं क्या होते हैं सो या लेट्स नाव मूव फॉर्व ओके सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब्स इन फ्रेंच दैट आर योर ई आर आई आर एंड आर ई वर्ब्स ठीक है ई आर आई आर एंड आर ई वर्ब्स फै सो वील सी ईच ऑफ दैम वन बाय वन फर्स्ट आर योर ई आर वर्ब्स तो ई आर वर्ब्स जो होते हैं दैट आर योर फर्स्ट टाइप ऑफ वर्ब्स सो इसमें आप क्या करते हो ई एस ई ओ एन एस ई सेड एंड ई एन टी ठीक है सो सबसे पहले वट आर योर बेसिक स्टेप्स ठीक है ये आपको याद करना है फर्स्ट एंड द अटमोस्ट थिंग इज लर्न दिस ठीक है ये आपको याद कर लेना है नेक्स्ट what यू हैव टू डू आई टेल यू over here. सो so फॉर er वर्ब लेट्स टेक एन example. लेट्स टेक द वर्ब पार्लर दैट इज योर पी ए आर एल ई आर पार्लर which means टू स्पीक और टू टॉक ठीक है जिसका मतलब टू टॉक होता है या टू स्पीक होता है नाउ इसमें क्या होता है सी सबसे पहले आपको लिखना है सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन ठीक है राइट ऑल दी सब्जेक्ट प्रोनाउंस विच एवर आर अवेलेबल सो नू वू एल एंड एल ठीक है नू वू एल एंड एल नाउ सो नाउ सेकेंड नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा जो हमारा वर्ब हमें गिवन है वी हैव टू मेक इट्स रेडिकल ठीक है अब रेडिकल क्या होता है यू माइट बी वंडरिंग सो रेडिकल इज नथिंग बट जो भी आपका वर्ड है सी दिस इज़ योर वर्ड पार्लर सो वॉट यूल डू इज सिम्पली रिमूव दिस पार्लर ओके वांस यू रिमूव देन एडन यू आर सपोज टू एड अ ई देन जो बचा हुआ होगा दैट वुड बी योर रेडिकल पी ए आर एल दिस वुड बी आर रेडिकल Okay so this step i hope is also clear to everyone now what is your next step next step should be writing all the subject pronouns uh, writing all the radicals in all the subject pronouns columns. so we write here parl 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 and parl all right ना ये भी कर लिया अब आगे क्या करना है वो बताओ ओके okay, तो आगे आपको क्या करना है सी जो हमने अभी पीछा पढ़ा इतना सब कुछ ई एस ई ओ एन एस ई सेड ई एन टी बस वही पुट करते चलो यहाँ ई e आ गया यहाँ ई e, एस आ गया यहाँ ई e, आ गया यहाँ ओ एन एस आ गया यहाँ ई e, सैड आ गया और यहाँ पे ई एन टी आ गया सिंपल यू आर डन विद द कॉन्ज़ुगेशन सो व्हाट इज़ योर फर्स्ट फर्स्ट स्टेप मेकिंग अ रेडिकल Second, uh, no, this is not your first step. First step is writing writing the subject pronouns. Okay, second step is your uh, making radical. Then comes your third step writing the radical in the column of subject pronoun. And your fourth step is adding the endings. Okay, so I hope this is clear. Now let's move to the IR verbs. सो आई आर वर्ब्स क्या होते हैं आई आर वर्ब्स हमारे सेकेंड टाइप ऑफ वर्ब्स हैं इन फ्रेंच इसमें भी ऑब्वियसली देर आर समिफ्रेंसेस और देर आर सम एक्सेप्शन फाउंड वेल वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैम राइट नाओ सो फॉर नाउ सी ये सो ये ग्रीन सेक्शन जो है ये हमारा आई आर वर्ब है सो आई एस आई एस आई टी आई डबल एस ओ एन एस आई डबल एस ई सेट एंड आई डबल एस ई एन टी ठीक है सो दिस वे इज़ योर कॉन्जगेशन नाव लेट्स टेक अ वॉब अगैन नाउ दिस टाइम यू आर गोइंग टू टेल मी हाउ टू डू इट शुआजिर हो गया हमारा ठीक है इसका मतलब होता है टू चूज़ ओके इसका मतलब होता है टू चूज़ फाइन सो ना इफ़ यू सी सबसे पहले हमें क्या करना है फर्स्ट थिंग फर्स्ट एंड द अटमोस्ट थिंग इज या फर्स्ट थिंग इज़ शुआ जीर ठीक है इसका हमें रार्डिकल बनाना है सो हाउ टू मेक अ रार्डिकल रिमूव द आई आर एंड ना वट यू गेट यू गेट द वर्ड दैट इज सी एच ओ आई एस So, this is our verb. Now, next is writing the subject pronouns. So, Je, Tu, Il, El, Nu, Vu, Il and El. Yes, these are all your subject pronouns. I hope this much is clear. What is our next step then? Putting them putting the word here ch C-H-O-I-S. 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 finally c h o i s fine now what next is adding the things that uh, we had here so blue color ho gaya already let's change the color yeah so we have i s i s i t then we have i double s o n s then we have i double s e z and then finally we have i double s e and t i hope this is clear so this would be our conjugation for shuazid which is a ir verb fine so now similarly goes for your R-E verbs that is s s nothing O-N-S E-Z-E-N-T. and t. दिस वर्ब यू कैन डू इट ऑन योर ओन इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी लेट मी नो तो आपको बेसिकली क्या करना है जो भी वर्ब आपने चूज किया उसके साथ फर्स्ट आपको उसका रेडिकल बनाना है ओके लेट मी राइट योर ओनली सो फर्स्ट थिंग वॉट यू आर गोइंग टू डू इज मेक अ रेडिकल देन राइट डाउन द सब्जेक्ट प्रोनाउंस दैट इज योर जो यू एल एल नू वो एल एन एल लेटर आपको वो रार्टिकल यहाँ पुट करना है एंड देन यू हैव टू एड रिस्पेक्टिवलीट इज़ योर एस एस नथिंग ओ एन एस ई जेड एंड ई एन टी आई होप दिस इज क्लियर सो आप वो जो वर्ब है उसके साथ ये ऐसे करोगे तो यूल गेट द प्रॉपर कॉन्जुगेशन Now there are I have taken two exceptions. So this is er verb का exception. So er verb का ऐसे conjugation क्या होता है e, es, e, ons, ez and end है ना? पर इसमें देखो s, sa, a, ons, ez and ont, ont. तो यहाँ पे changes है right? मतलब पूरा ही changed है ये. So this is aller verb. तो ऐसे जो एक्सेप्शन होते हैं वो आपको आपकी बुक के एंड में बिलान करके में मिल जाएंगे ठीक है सो दैट विल हेल्प यू आउट फॉर श्योर एंड वॉट एल्स हाँ यू कैन जस्ट सी द कॉन्जुगेशन विल जस्ट गो थ्रू वे वा वा एल ये नू आ लो वू आले इल वो एल वो ठीक है सो दिस इज़ द कॉन्जुगेशन नाउ दिस इज़ अ आरी वर्ब विच इज़ ऑल्सो एन एक्सेप्शन ह्योर विच मीन्स टू बी सो यस वी देखो यहाँ तो पूरा ही चेंज हो गया एस एस नथिंग की जगह पर टी आ गया है फिर ओ एन एस आता है ई जेड आता है ई एन टी आता है दिस इज ऑल चेंज एंड ब्लैंडर अप ठीक है सो या ऐसा चेंजेस यू कैन ऑब्जर्व ह्योर फाइन सो यस्वी यू ए एल ए एल ए नू सॉम वू सेथ एल सॉम So yeah, like this can be the conjugations of the verbs, okay? So final it So er verbs, what E, es, e, ons, ez, and ent. Okay. Now you have to practice this without seeing. If I could hide it all, no, right? I cannot. Or else, wait. I can. So we'll practice this together. स लेट मी ट्राई हाइडिंग इट ओके ऑल राइट सो आई फाइनली छुपा दिया हमने ये सिर्फ ये थोड़ा सा ऊपर का दिखना चाहिए ना हम क्या कर रहे हैं ओके सो वी हैव हिडन इट नाउ यू गॉन टेल मी व्हाट आर गोइंग टू बी द थिंग्स योर ठीक है सो सबसे पहले आपका ई आर वर्ब आ गया ई आर वर्ब में क्या था कम ऑन स्टार्ट स्पीकिंग एस एस ई एस हाँ आई मेडम एस सो इट वॉज सी अभी देख लो इधर ही ओके वेट I cannot even get them get it back now. Okay, so first I am hiding to Tugy why this color is only coming Yeah. This is more easy. Okay. So see here now answer everyone. So these are your oh my god. What is this? Hmm. E R, I R and R E. ओके दिस इज वर्ब्स नाउ ब्लैक में ब्लैक नहीं चलता सो दिस इज़ ई ई एस ई ओ एन एस जेड एंड एन टी आई होप यू गॉट दिस करेक्ट नाउ आई विल गिव यू फाइव सेकेंड्स इसके एंडिंग सब लिख के मुझे बताओ दो सेकेंड में फाइव सेकेंड्स में ओके टाइम्स अप सो वॉट आर इट यू कैन इवन पॉज द वीडियो इफ आई आर लैंगिंग बिहाइंड और आपको सोचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है बिकॉज इट मे टेक टाइम टू लर्न इट राइट फाइन सो आई एस आई एस आई टी आई डबल एस ओ एन एस आई डबल एस ई सेड एंड आई डबल एस ई एन टी ओके एंड कम्स योर आर यू वर्ब एस एस नथिंग ओ एन एस ई सेड एंड ई एन टी ठीक है आई होप अब आपको लर्न हो गया होगा सो या दैट इज़ ऑल फॉर टूडेज वीडियो आई होप यू एंजॉयड और आपको समझ आया एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी वन